मूवी की कहानी एक रहस्यमय समुद्री बीच के बारे में है और उस बीच पर होने वाली कुछ अजीब और गरीब घटनाओं के बारे में। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो अपनी वेकेशन पे जा रही होती। उन्होंने एक होटल बुक किया होता है, ये होटल उन्होंने ऑनलाइन बुक किया होता है। जैसे ही वे अपने होटल में पहुँचते है उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है, ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगती है। वहाँ पर पहुँच के बच्चे भी बहुत खुश होते हैं और ये होटल वास्तव में बहुत अच्छा होता है और उस फैमिली को और उनके बच्चे को ये होटल आखिर में बहुत पसंद आया होता है। उस होटल के मालिक का एक भतीजा होता है जो उस फैमिली के लड़के से फ्रेंडशिप कर लेता है। दोनों एक साथ घूमते हैं और खुश रहते हैं। दोनों एक दूसरे को कोड मैसेज के जरिए बातें करते हैं, वो अक्सर ऐसा मस्ती करने के लिए करते हैं। उसी होटल में एक टूरिस्ट होती है जिन्हें दोहरे पड़ने की बीमारी होती है, जिसे देख के सब डर जाते। होटल के मालिक के कहे अनुसार उन्हें एक स्पेशल बीच दिखाया जाता है। वो ये कहते हैं कि यह बीच कुछ स्पेशल लोगों को ही दिखाया जाता है। वह बीच वास्तव में बहुत सुंदर होता है। उस बीच का रास्ता पहाड़ों पे बनी में कुछ दरारों में से होके जाता है। जैसे ही वो लोग उस बीच पे पहुंचते हैं उन्हें यह बीच बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वह बीच रियली में बहुत सुंदर होता है। उस बीच पर पहले से एक आदमी मौजूद होता है जो बहुत ही फेमस रैपर होता है। वहां पहुंचकर सारे लोग बहुत खुश होते हैं। उस फैमिली का छोटा लड़का जब पानी में तैर रहा होता है तब उसके पास एक डेड बॉडी तैरती हुई आती है जिसे देख के वो बहुत डर जाता है। वह डेड बॉडी एक लड़की की होती है जो वो लोग उसे बाहर निकालते हैं और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा होता है ये कैसे मरी। तभी सारे लोग उस रैपर के ऊपर इसका इल्जाम लगाते हैं क्योंकि उसकी नाक से खून बह रहा होता है। बात बाहर बताने के लिए एक आदमी जो नर्स होता है वह बाहर जाता है। जैसे ही वह बाहर जाने की कोशिश करता है उसका सर तेजी से चकराता है और बेहोश हो जाता है और वह वापस उसी बीच पे आके पहुंच जाता है। यह नहीं समझ में आ रहा होता है क्या होता है। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर होता है, उसकी बूढ़ी माँ की डेथ हो जाती है और जो फैमिली होती है उसके दोनों बच्चे अचानक से बड़े हो जाते हैं। यह नहीं समझ में आ रहा होता है कि यह सब कुछ कैसे हुआ। सब कुछ बहुत टेंशन में होते हैं। तभी जिस लड़की की डेथ हुई होती है उस कपल में से वाइफ अचानक से बेहोश हो जाती है। उसे पहले से ही ट्यूमर होता है और उसका ट्यूमर बहुत बड़ा हो चुका होता है। डॉक्टर उसे निकालने के लिए कट लगाता है लेकिन वह कट अपने आप बंद हो जाता है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। वह दोबारा कट लगाता है और लोग उसे अपनी अंगुलियों से खुला रखते हैं और डॉक्टर थोड़ी कोशिश करने के बाद उस ट्यूमर को बाहर निकाल लेता है। वह कट वापस अपने आप बंद हो जाता है और वो लेडी होश में आ जाती है। वो कहती है कि उसे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है क्योंकि अब उसका ट्यूमर बाहर आ चुका होता है। सभी लोग उस लड़की की डेड बॉडी को देखते हैं जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी होती है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर टाइम स्केल बहुत तेजी से चल रहा है और उनकी बॉडी के सेल काफी तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं। वह अपने बच्चों को ढूंढते हैं, फिर वह देखते हैं कि उनके बच्चे बहुत बड़े हो चुके होते हैं और उन दोनों ने सेक्स कर लिया होता है जिससे वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। तभी वो लड़की 8 महीने की प्रेग्नेंट होती है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा होता है कि इतना जल्दी ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है। उस लड़की को डिलीवरी पेन स्टार्ट हो जाता है और एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है लेकिन इतने तेजी से चलते टाइम स्केल के कारण उस बच्चे की मौत हो जाती है। उस लड़की का पिता वह डॉक्टर होता है जिसे एक मेंटल प्रॉब्लम होती है और वो यह देखते ही सबके ऊपर भड़क उठता है और सबको बुरा भला कहने लगता है। उसमें उसकी वाइफ भी होती है, उसे एक मेंटल प्रॉब्लम होती है जिसके कारण वो सब करता है। तभी उस मेंटल प्रॉब्लम के चलते उस रैपर को चाकू से वो डॉक्टर मार डालता है और समझता है कि सब कुछ इसी रैपर के कारण से होता है। यह सब कुछ एक आदमी दूर से ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है। वो सारे लोग उस मेंटल डॉक्टर से चाकू छीन लेते हैं। तभी जो नर्स होता है वो कहता है कि मैं तैर के किसी दूसरे किनारे पे जाने की कोशिश करता हूँ, शायद इस बीच से निकलने का रास्ता मिल जाए। सभी टेंशन में होते हैं। वो फैमिली की बड़ी लड़की पानी में तैरने जाती तभी उसे उस नर्स की लाश तैरती हुई मिलती है। यह देख के वह बहुत घबरा जाती है कि वह नर्स पानी में डूब के मर चुका होता है। फिर उस डॉक्टर की बेटी इन सबसे परेशान होकर उस पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि शायद मैं इस पहाड़ पे चढ़ के दूसरी तरफ जा सकूं और यहाँ से बाहर निकल जाऊं, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचती है बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और फाइनली उसकी बुरी तरह से मौत हो जाती है। उसे देख के उस लड़के को बहुत दुख होता है। फिर थोड़ी देर बाद उस नर्स की वाइफ को दोहरे पड़ने शुरू होते हैं। इस बार उसे दोहरे बहुत तेजी से पड़ते हैं और थोड़ी देर बाद वह तड़पने के बाद फाइनली उसकी भी डेथ हो जाती है। कपल में से हस्बैंड को दिखना बंद हो जाता है क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका होता है। बूढ़े होने के कारण उसकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। सारे लोग समझ जाते हैं कि हम इस बीच से बाहर नहीं निकल सकते हैं। उस बीच पर पड़े कचरे में से उन बच्चों को एक नोटबुक मिलती है। वह पहले आए हुए एक आदमी की होती है जिसने सब कुछ इस नोटबुक में लिखा होता है और उसके साथ जो आए होते हैं लोग उनका नाम भी लिखा होता है। जब वो शाम को बैठे होते तभी वो मेंटल डॉक्टर उस
फैमिली के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देख के बच्चे गुफाओं में छुप जाते। लेकिन उन गुफाओं में उसे डॉक्टर की वाइफ मिलती है, जिसे बुढ़ापे के कारण एक अजीब सी बीमारी हो जाती है, जिसमें हड्डियां किसी भी तरफ मुड़ जाती और वो एक अजीब से स्ट्रक्चर में बदल जाती है और तड़प के फाइनली उसकी भी डेथ हो जाती है। जैसे वो डॉक्टर उस हस्बैंड को मारने वाला होता है, उसकी वाइफ उस पे चाकू से कट मार देती है, लेकिन उसका चाकू जंग खाया होता है और तेजी से चलते टाइम स्केल के कारण यह जंग उसकी बॉडी में जहर का काम करता है और बहुत तेजी से फैल जाता है। और थोड़ी देर बाद तड़पने के बाद फाइनली उस डॉक्टर की भी डेथ हो जाती है। फाइनली सब लोग हताश हो जाते हैं। जब वो बैठे होते तब हस्बैंड की डेथ हो जाती है और थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है। दोनों बुढ़ापे के कारण मर चुके होते हैं। सुबह दोनों भाई बहन बूढ़े हो चुके होते हैं। उनकी उम्र अप्रोक्स 50 साल के आसपास होती है। जैसे ही वो लड़का अपने उस होटल के दोस्त छोटे से लड़के का दिया हुआ मैसेज सोल्व करता है, उसे एक हिंट मिलता है, माय अंकल डजंट लाइक द कोरल। उसे एक आइडिया सूझता है और वो दोनों कोरल की तरफ तैरने लगते हैं। जैसे ही वो उस कोरल के पास पहुंचते हैं, तभी उस लड़के की सिस्टर उस कोरल में फंस जाती है। दोनों उससे निकलने की जिद्दोजहद करते हैं ताकि उसकी बहन पानी में डूब के ना मरे। तभी जो आदमी उन सब के ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है, उसे लगता है कि वो दोनों फाइनली पानी में डूब के मर चुके। उसने सारा सेटअप कर रखा होता है, हाई डेफिनेशन कैमरों के साथ उन पे नजर रखता है और फोन करके अपने बॉस को बता देता है कि ऑब्जर्वेशन पूरा हुआ और वापस अपने सेंटर में चला जाता है। ये एक रिसर्च सेंटर होता है। यहीं पर हमें पूरी स्टोरी समझ में आती है मूवी की। वह उन लोगों के ऊपर रिसर्च करते हैं जिन्हें कोई बीमारी होती है, उन्हें मेडिसिन देके उस बीच पे भेज देते हैं ताकि उनकी दी हुई मेडिसिन के बारे में वो पता लगा सके कि वो असर करती है या नहीं। अगर इसे रियल लाइफ में पता करे तो इसमें बहुत समय लगता है, इसलिए उन सबका जानबूझ के एक्सपेरिमेंट होता है और ये उन सबका 73 वाला एक्सपेरिमेंट होता है। वो दोनों भाई बहन एक पुलिस वाले को ढूंढ लेते हैं। वो पुलिस वाला अपने सोर्स के जरिए सब कुछ उस डायरी से पता लगा लेता है कि कौन से लोग गायब। वो दोनों भाई बहन उस होटल के मालिक के भतीजे से मिलते, उसे अपना लेटर दिखाते और कहते हैं कि इसी लेटर की वजह से हम दोनों की जान बची है। जब वो कोरल में फंस चुके होते हैं तब वो दूसरी तरफ जाते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। ये चीज वो ऑब्जर्वेशन वाला आदमी नहीं देख पाता। फाइनली उन सबको पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उन्हें वापस अपने घर छोड़ देती है। और इसी के साथ हमारी इंटरेस्टिंग मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।